चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक कलौ का पार्ट तीन। ऐसे दोस्तों कलौ का पार्ट तीन बताने से पहले आपको याद दिला दूं कि आपको मैंने बताया है पार्ट वन में कि यदि कोई दीवार पे घड़ी लगा हुआ है और उसमें 11:30 हो रहा है तो सामने के दीवार पर लगे दर्पण में कितना समय बताएगा। ये बात आपको मैंने बता चुका हूं पार्ट वन में, क्लियर। अब पार्ट टू में मैंने बताया है कि अगर यही घड़ी कोई हॉरिजेंटल रखे हुए दर्पण के ऊपर रखा जाए यानी वाटर इमेज तो समय कितना बताएगा। ये बात हम पार्ट टू में आपको बता चुका हूं और हमें यकीन है कि आप पार्ट वन और पार्ट टू देख ले होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो एक बार अवश्य देख लेंगे, क्लियर। और आज जो हम चर्च करने वाले हैं वो कुछ इस क्वेश्चन पर चर्च करने वाले हैं जो आपके स्क्रीन पे है। मतलब ये कि अगर घड़ी में 3:40 हो रही हो तो घंटे और सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम कुछ कंसेप्ट में विचार करेंगे। ऐसे बनाने का हम कई मेथड आपको देने वाले हैं, आज इसमें सबसे आसान मेथड होगा वो आप रख लीजिएगा, लेकिन बेसिक भी आपको देंगे। बेसिक थोड़ा सा पेचीदा होगा लेकिन समझना हमारे लिए जरूरी होगा, क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक इसका पार्ट से, क्लियर दोस्त, रेडी है। चलिए तो कॉपी कलम लेकर रेडी हो जाइएगा और अपने कॉपी कलम में जो बात मैं नोट कराऊं उसे नोट भी करते जाना है। चलिए तो शुरू होते हैं। सबसे पहले अगर घड़ी की बात करें तो घड़ी में तीन प्रकार का हैंड होता है। घड़ी में तीन प्रकार का हैंड होता है, एक होता है मिनट हैंड, ठीक है, और दूसरा हैंड होता है आवर। हम ये दोनों, तीसरा हैंड ऐसे सेकेंड हैंड भी होता है जिसका यूज करके क्वेश्चन हमसे नहीं किया जाता है, अतः हम यही दोनों हैंड पे मिनट की सुई और घंटे की सुई पे ही विचार करेंगे। तो दोस्त एक बात बताओ, यहां से यहां अगर मिनट का सुई एक पूरा चक्कर लगाएगा तो कितना समय लेगा। 60 मिनट, मतलब 60 मिनट में ये पूरा चक्कर लगाता है मिनट का सुई, तो हम कह सकते हैं कि मिनट का सुई 60 मिनट में एक चक्कर लगाता है। एक चक्कर का मतलब 360 डिग्री का कोण बनाता है, तो 60 मिनट में 360 डिग्री, तो एक मिनट में कितना का कोण बनाएगा, तो 360/60 मतलब 6 डिग्री का। अगर अतः हम कह सकते हैं कि मिनट सुई का या मिनट हैंड का जो स्पीड होगा, मिनट हैंड का जो स्पीड होगा वो होगा 6 डिग्री पर मिनट, क्लियर, 6 डिग्री पर मिनट। ये मिनट सुई का स्पीड हुआ, मतलब एक मिनट में मिनट का सुई 6 डिग्री का ट्रेवल करेगा। किस डिग्री का, 6 डिग्री का। उसी प्रकार से अगर घंटे की सुई की बात करें तो घंटे की सुई एक पूरा चक्कर लगाने में 12 घंटा का वक्त लेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि 12 घंटा में या 12 आवर्स में मिनट का सुई एक पूरा चक्कर लगाता है, का मतलब 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो 12 घंटा में 360 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो एक घंटा मतलब एक आवर में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, तो 360/12, ठीक है, मतलब 30 डिग्री का, कितना का, 30 डिग्री का। अब एक बार बताओ एक घंटा में कितने मिनट होता है, 60 मिनट, एक घंटा में कितने मिनट, 60 मिनट। तो 60 मिनट में अगर ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है तो एक मिनट में कितना का कोण बनाएगा। यहां देखो 60 मिनट में 30 डिग्री, 60 मिनट में एक घंटा का मतलब 60 मिनट, तो 60 मिनट में 30 डिग्री, तो एक मिनट में 30/60 डिग्री का मतलब कितना का एंगल बनाएगा, आधा डिग्री का। तो क्या कहेंगे यार कि आवर हैंड जो है, घंटे के सुई जो है, इसका जो स्पीड होगा, आवर हैंड का जो स्पीड होगा वह हाफ डिग्री, आधा डिग्री पर मिनट होगा। क्या आधा डिग्री पर मिनट, यहां तक को दिक्कत। ये हमारा दो कंसेप्ट निकालकर सामने आया। पहला कंसेप्ट आया कि मिनट हैंड जो है एक मिनट में 6 डिग्री ट्रेवल करेगा, मतलब एक मिनट में 6 डिग्री आगे जाएगा, और आवर हैंड जो है एक मिनट में आधा डिग्री आगे जाएगा पर मिनट, ठीक है। लाओ इसको भी इसी ढंग से इंडिकेट कर देते हैं, क्लियर। मतलब आवर हैंड हाफ डिग्री पर मिनट के स्पीड से आगे बढ़ेगा। चलिए यहां पर एक कंसेप्ट और हम लेते हैं, क्लियर, एक कंसेप्ट और लेते हैं।
अगर आप पढ़े होंगे टाइम और स्पीड में, समय और दूरी में, कि पुलिस और ये था चोर, चोर आगे भाग रहा था और पुलिस उसका पीछा कर रहा था, तब पुलिस कौन चाल से चोर को पकड़ता था? रिलेटिव स्पीड से। यहां पर भी गौर करो, मिनट का सुई भी ऐसे घूम रहा है और घंटा का सुई भी ऐसे घूम रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही है, ट्रेवल कर रही है। तो अगर यहां पे मिनट और घंटा का रिलेटिव स्पीड निकालें, रिलेटिव स्पीड अगर निकालें तो क्या होगा? तो ये रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में होता था तो कैसे निकालते थे आप? घटा कर। तो यहां पर भी घटा कर निकाल लीजिए, 6 डिग्री माइनस आधा डिग्री मतलब 5.5 डिग्री। क्लियर? एक मेरा ये तीसरा कंसेप्ट निकला, ठीक है। ये तीनों कंसेप्ट को आपको याद रखना है। तीनों का मतलब क्या हुआ एक बार और हम आपको बता देते हैं। चलिए यहां पर समझिए, चलिए इसको यहां पर हम समझा रहे हैं आपको। देखिए, अगर आपसे कहे कि 20 मिनट में मिनट वाले सुई कितना डिग्री आगे चलेगा, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 20 मिनट में 120 डिग्री आगे चल चलेगा वो। और घंटे के सुई की बात करें तो 20 मिनट में कितना चलेगा, तो घंटे के सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री, 1 मिनट में 1/2 मतलब आधा, तो 20 मिनट में कितना चलेगा घंटे वाली सुई, 20 मिनट में कितना चलेगा, तो 20 का आधा 10 डिग्री, 20 × 1/2। अब अगर ये दोनों के बीच की फासला की बात करें तो कितना हो जाएगा, 110, देखने से पता चल रहा है दोनों सुई के बीच फासला कितना का हो जाएगा, 110 डिग्री का। लेकिन अगर हम इस फॉर्मूला से निकालें कि दोनों के बीच फासला कितना का होगा, तो क्या करेंगे, 5.5 मतलब 11/2 से गुना कर देंगे 20 में, कितना का फासला हो जाएगा, 110 डिग्री का। ऐसे भी देखो, ये अगर ये घड़ी है और यहां से दोनों चला तो 120 डिग्री चल गया, कौन मिनट का सुई, 120 का मतलब हो जाएगा मान लो यहां पे आ गया, और घंटा का सुई मात्र 10 ही चला यहां पे आया, तो दोनों के बीच कितना हो गया, 120 - 10 मतलब 110 डिग्री का। बात आए समझ में, नहीं आया? अब एक बताओ, मौखिक बताओ, 30 मिनट में दोनों सुई की फासला कितना हो जाएगा, तो 30 × 11/2 165 डिग्री का फासला होगा। अगर ऐसे निकालो तो 30 मिनट में ये चलेगा 180 डिग्री और ये 30 मिनट में चलेगा 15 डिग्री, माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, 165 डिग्री, दोनों सुई के बीच फासला कितना का हो जाएगा, 165 डिग्री का हो जाएगा। अतः हमें याद क्या रखना है, तो हमें ये तीनों बात याद रखना है, ठीक है, जिसको हम यहां पे स्क्रीन पे लिख दे रहे हैं, जिसको आप नोट कर लीजिए, वो देखिए, ये तीनों को याद रखना है। मिनट का सुई 1 मिनट में 6 डिग्री मतलब स्पीड होगा 6 डिग्री पर मिनट, घंटे के सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री मतलब उसका स्पीड होगा 1/2 डिग्री पर मिनट, और रिलेटिव स्पीड मतलब 1 मिनट में दोनों के बीच जो फासला होगा वो होगा 11/2 डिग्री, 5.5 डिग्री मतलब 11/2 डिग्री का। क्लियर? तो ये था मेरा पहला कंसेप्ट, जिसे आप नोट कर लेंगे, अपने कॉपी पे नोट कर लिए। तो बढ़ते हैं आगे दोस्तों, इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट और हमें लेना है, चलिए वो भी कंसेप्ट हम ले लेते हैं। अगर हम बात करें एक घड़ी के डायल का, तो ये घड़ी के डायल की अगर बात करें तो गौर करिएगा, बिल्कुल इस ढंग से आपका घड़ी पे डायल पे है ना होती है, 12 यहां पे होता है 1, 2 और यहां पे होता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, बिल्कुल इस ढंग से होता है। तो क्या आपको पता है कि ये टोटल के खानों में बटा होता है? तो बड़ा बड़ा खान जो देख रहे हैं वो 12 खानों में बटा होता है, के खानों में, बड़ा खानों में, और ये पूरा 360 डिग्री का होता है, तो 360 को अगर 12 भाग में बांटिएगा तो कितना पड़ेगा, 30 डिग्री, मतलब एक खान, ये बड़ा वाला जो खान है उसका बीच जो कोण होता है वो 30 डिग्री का होता है, कितना का होता है, 30 डिग्री, यहां से यहां तक का एंगल जो होगा 30 डिग्री का, मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो कितना का होगा, 30 का, ये वाला जो एंगल होगा कितना का होगा, 30 का, इस प्रकार से सब 30-30 में बटा होता है। अब यहां पे थोड़ा सा और ध्यान दोगे, ये जो यहां से यहां जो एक है ये भी 5 छोटे छोटे खानों में बटा होता है,
हम कह सकते हैं कि एक बड़ा खान बराबर कितना होगा 30 डिग्री। और ये बड़ा खान जो है या बड़ा घर कह दो, एक बड़ा घर बराबर 30 डिग्री। अब ये बड़ा घर जो है ये छोटे छोटे पांच घरों में बटा होता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बढ़िया से लिख देते हैं, थोड़ा सा साफ दिखाई देगा, ठीक है, 1 2 3 4 5। देखो 1 2 3 4 5, अगर 30 को पांच भाग में बांटोगे, अगर 30 को पांच भाग में बांटोगे तो ए वाला भाग यहां से ए एक भाग जो होगा वो 6 डिग्री इंडिकेट करेगा, के डिग्री 6 डिग्री, एक छोटा घर। तो हम कह सकते हैं कि एक छोटा घर बराबर 6 डिग्री, एक छोटा घर बराबर 6 डिग्री, तो ये भी 6 डिग्री होगा, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, तो 6 पचे 1 2 3 4 5, 6 पचे 3 डिग्री हो जाएगा। आइए बड़ा घर कितना हो गया टोटल 30 डिग्री, आइए छोटा घर कितना हो गया 6 डिग्री। बस यही आपका डायल में जो अंकित होता है चिन्ह वो एंगल बताता है, एक बड़ा घर 30 डिग्री, एक छोटा घर 6 डिग्री, ये बात आ गई समझ में। चलो अब थोड़ा सा हम चलते हैं क्वेश्चन पर। अगर क्वेश्चन पर चलते हैं तो एक बात आप हमें बताएंगे, आपका क्वेश्चन क्या था कि 3:40 हो रही है, 3:40 हो रही है, तो घंटे और मिनट के सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये घड़ी है, अगर ये घड़ी है तो 3:40 का मतलब हो जाएगा बिल्कुल मिनट का सुई यहां पे हो जाएगी और घंटे वाले सुई 3 और 4 के बीच होगा। ऐसा करते हैं कि घंटे वाले सुई में ऐसे लगा देते हैं, ये घंटे वाली सुई हुआ और ये मिनट वाली, यही एंगल आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों एक बात बताओ, अगर आप यहां पे ये जो घंटे वाली सुई है यहां पे रहा होता तो ये पूरा कोण कितना का होता, क्या आप बता पाएंगे? अभी हम बताए हैं। तो एक बड़ा खान होता है 30 डिग्री का, तो 30 30 30 30 30 कितना का हो जाता, 1 2 3 4 5, 150 डिग्री का हो जाता। मतलब यहां से यहां तक का एंगल, यहां से यहां तक का एंगल हो जाता 150 डिग्री, होता या नहीं होता। अब यहां पे कट कौन रहा है तो इतना कम है, इतना क्या है कम है, तो ये एंगल आखिर है कितना, ये एंगल है कितना। तो देखो इसको यहां से समझो, ये घंटे वाले सुई जो है, घंटे वाले सुई है 3:40 चला है, तो 3:40 का मतलब हो गया कि ये घंटा 2 घंटा 3 घंटा में तय दूरी ये हो गया, और ये 40 मिनट का तय दूरी ये हुआ, 40 मिनट का यहां से यहां आया 40 मिनट में, तो यह एंगल कितना का रहा होगा, ये वाला एंगल यहां से यहां तक, तो ये 40 मिनट द्वारा तय किया, घंटे के सुई द्वारा तय किया दूरी जो है वो 40 मिनट का है, तो 1 मिनट में घंटे का सुई आधा डिग्री का, 1 मिनट में घंटे का सुई कितना डिग्री का, घंटे वाले सुई कितना डिग्री का, आधा डिग्री का, तो ये 40 मिनट में कितना का तय किया होगा, 40 गुना आधा मतलब 20 डिग्री का तय किया होगा, 40 का आधा तय किया होगा 20। बस ये यहां से यहां तक 150 आप निकाले, उसमें से अगर हम 20 माइनस कर दें तो ये जो निकल जाएगा ये दोनों के बीच का निकल जाएगा, निकलेगा या नहीं निकलेगा, यह कोण कितना का हो जाएगा 130 डिग्री का। यह दोस्तों मेरा पहला कंसेप्ट था, है ना, इसी को हम धीरे धीरे सारे कंसेप्ट पे आते हैं, ट्रिक पे भी आते हैं, है ना, हम बनाएंगे भी। अब देखो इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, इतना हम नहीं सोचेंगे, दूसरा तरीका यहां पर देखोगे बनाने का, ठीक है। यहां पे हमसे सवाल क्या किया गया है, 3:40 पे, तो कुछ नहीं करना है, 3 बजे का मतलब 3 घंटा हो गया, मतलब सुई जो है सीधे मान लो 3 पर, सीधे मान लो किस पर, 3 पर, ऐसे तो 3 से आगे होगा, 40 का मतलब सुई कितना पर है, 8 पर, पहले ये दोनों का अंतर निकालो, अंतर कितना हो गया 5, अंतर कितना हो गया 5, तो 5 गुना 30 कितना हो गया 150 डिग्री, जो ही वाला को निकला था उसमें से, ये तो पता है कि ये 40 मिनट जो चला है उसका आधा हम इसको में जोड़ेंगे या घटाएंगे। देखो यही 40 का आधा ना जोड़ा था, इसको में आधा जोड़ेंगे या घटाएंगे, किसका, मिनट का आधा, मिनट का आधा इसमें जोड़ देना है या घटा देना है,
तो 40, 40 का आधा कितना होगा 20, इसमें जोड़ेंगे या घटाएंगे। अब जोड़ेंगे कब घटाएंगे कब, तो सीधा सा याद रखना है, घंटे की सुई देखना है, घंटे की सुई को एम रखना है, घंटे की सुई अगर मिनट वाला सुई से पीछे तो घटा देना और मिनट वाला सुई से आगे तो जोड़ देना। तो घंटे का सुई मिनट वाला सुई से क्या है, पीछे है, इधर है, इधर है, पीछे है, तो पीछे है तो घटा देना, मतलब माइनस कर देना, कितना हो जाएगा 103 डिग्री। ये मेरा दूसरा, यही का दूसरा रूप हो गया। नहीं, तीसरा हम तरीका सीखें तो तीसरा और आसान है, जिसका यूज करके आपको दिमाग पे कोई जोर पड़ने वाला नहीं है। अतः ये दोनों को आप छोड़ देंगे, सीधे तीसरा को रखेंगे। क्लियर? तीसरा कैसे निकालिएगा, तो तीसरा निकालने का तरीका है कि कोण बराबर, सीधे एक फॉर्मूला याद रखिएगा, 30h - 11/2m, बस ये फॉर्मूला रखना है। क्लियर? और लेकिन यह मान हमेशा मोड में रखना है, किसमें रखना है, मोड में, ताकि ये मान जो भी आवे वो पॉजिटिव आवे, मतलब ऐसा समझे कि बड़ा में से छोटा को घटाना है। चलो हम बनाते हैं, 30 घंटा था तो घंटा कितना है, यहां लिख देते हैं 3:40 है, तो घंटा कितना हो गया 3, 30 × 3 - 11/2 × मिनट वाला ही हो गया, गुना 40, बस आंसर आ जाएगा 90 माइनस, इसको काटिएगा तो हो जाएगा 20, 220। अब इसको घटा लीजिए, 0, 12 में से 9 गया, 103 डिग्री आंसर। तो दोस्तों आपको जो मेथड सही लगे उस मेथड का यूज करिएगा, लेकिन आपको ये मेथड आपको आसान लगेगा, है ना, ये भी आसान है लेकिन थोड़ा सा दिमाग पर जोर देना पड़ता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन को और हम ये दोनों मेथड से आपको बता देते हैं। क्लियर? चलिए, अगर आपका प्रश्न हो, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 4:20 4:20 हो रहा हो तो दोनों हैंड के बीच, मतलब घंटे मिनट के सुई के बीच कितना का कोण बनेगा। तो सीधे आपको याद है कोण बराबर 30h - 11/2m, याद रखना है फॉर्मूला, बार बार लिखते जाना है, फॉर्मूला लिखने से फॉर्मूला याद हो जाती है मैथ और रीजनिंग में। क्लियर? चलिए अब अगर यहां पे बात करिएगा तो 30 × h का मान हो गया 4 और 11/2 × m का मान हो गया 20 मिनट वाला, तो 120 माइनस काटिएगा तो हो जाएगा 110, मतलब कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 10 डिग्री का। क्लियर? कोई दिक्कत है तो बोल दीजिएगा। अगर आपका प्रश्न हो कि 6:24, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 6:24 हो रहा हो तो मिनट और घंटे के बीच का कोण क्या होगा, हमेशा फॉर्मूला लिखिएगा 30h - 11/2m, तो क्या होगा 30 × 6 - 11/2 × 24। अब हल करिएगा तो हो जाएगा 180, आई 12 से कट जाएगा तो 2, 3, 132, घटा दीजिए 10 में से 2 गया 8, 7 में से 3 गया 4, 48 डिग्री होगा। क्लियर? कितना होगा 48 डिग्री। लेकिन दोस्तों अगला क्वेश्चन जो हम दे रहे हैं उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट और है, जैसे मान लो कि आपका क्वेश्चन कोई कहे 10:10 हो रहा हो तो दोनों सुई के बीच कितना एंगल का कोण बनेगा। चलिए तो हमारा तो फॉर्मूला है कोण बराबर 30h - 11/2m, बड़ा में से छोटा को घटाना है। चलो तो 30 × h का मान भी 10 है और मिनट का मान भी 10 है, चलो हो गया तो हो गया 300 - काटेंगे तो आ जाएगा 55, मतलब 245 डिग्री, कितना होगा 245 डिग्री। तो दोस्तों ये 245 डिग्री जो मेरा उत्तर आया वो सही नहीं है, अगर सही नहीं है तो गलत भी नहीं है, सही नहीं है तो गलत भी नहीं है, कहिए कैसे। तो चलिए हम इसको समझाते हैं, आपको इसको मिटा रहे हैं। देखिए अगर आप यहां पे जो प्रश्न है 11:10 में कुछ आपका कंडीशन इस प्रकार का होगा, घंटे मिनट के सुई के बीच इस प्रकार का, आप जो कोण आपने निकाला 245 डिग्री हुआ, यह को निकला, ठीक है, यह को निकला। तो दोस्तों ये कोण को हम लोग रीजनिंग और मैथ में कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, क्या कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर? बृहत्तम कोण कहते हैं, बृहत्तम कोण, ऐसे इसका दूसरा नाम बाह कोण भी है ना, और बहुत सारे बुक में इसको देखने को मिलेगा, था आप पर आप प्रवर्तनिक कोण, आप प्रवर्तनिक कोण भी मिलता है। क्लियर? तो यहां पे अगर प्रश्न में ये इंडिकेट हो कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, बृहत्तम कोण क्या होगा,
तब मेरा उत्तर होगा 145 डिग्री। अगर ऐसा जिक्र ना हो, ये वाला कोण बताना होगा, ये अंदर वाला आंतरिक कोण बताना होगा, छोटा एंगल जो होगा उसको बताना होगा। आपको तो पता ही होगा कि किसी केंद्र पर पूरा कोण 360 का होता है। अगर ये कोण निकालना है तो 360 में से 245 को घटा लेना होगा। तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 4 गया 5, सॉरी 5 में से 4 गया 1, 115 डिग्री, या एंगल कितना हो जाएगा 115 डिग्री। क्लियर? अब यहां पर देखो, ये दोनों एंगल निकल गया। तो आपको अगर ये दोनों हैंड के बीच का एंगल की बात करेगा तो किसको कहिएगा, 115 हो के 245 को, 115 कहना होगा। हां, अगर रिफ्लेक्स एंगल की बात करें तो ये वाला बताएंगे 245 डिग्री, है ना। आप याद रख सकते हैं नोट में कि अगर एंगल, अगर कोण 180 से ज्यादा हो जाता है तो वह रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। और वैसा स्थिति हो जाए तो आंतरिक को निकालने के लिए 360 में से इस एंगल को घटा लेते हैं, कितना आ जाएगा 115 डिग्री। क्लियर? अतः यह जो आंसर आपका आएगा, है ना, उसको सही भी हम नहीं कह सकते हैं तो गलत भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो भी दोनों एंगल के बीच का, दोनों हैंड के बीच का कोण ही है। लेकिन कौन कौन है? रिफ्लेक्स एंगल है, बाहर वाला कोण है, बृहत्तम कोण है, बाहत्तम कोण है, कुछ भी कर सकते हैं आप। क्लियर? चलिए आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन अगर आपको क्वेश्चन में कर दे कि 12:05 हो रहा है, 12:05 हो रहा है, जैसे यहां पर देखो 12:05, तो 12:05 तो आपको तो पता है कि कोण बराबर क्या होगा, 30h-11/2m। तो दोस्तों आपको याद होगा 12, 30 गुना 12 भी कर सकते हैं। और अगर हमारा पार्ट वन देखे होंगे तो हम बताए थे कि 12 का मतलब 0 होता है, ऐसे आप 12 भी यहां पे लेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन 0 भी लेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि 12 का मतलब क्या होगा, 0। तो 0 लेकर हम बना लेते हैं इसको 11/2 × 5, तो हो जाएगा 0-55/2। तो 55/2 को अगर तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 2×2=4, 7×2=14, 5×2=10, 27.5 डिग्री। क्लियर? मतलब 12 को हम क्या पढ़ लिए, यहां पे हम 0 पढ़ लिए। अगर आपको मन है कि 12 ही पढ़ के हम बनाए तो बिल्कुल आपका उत्तर यही आएगा। देखो हम बना ही देते हैं। चलिए अगर रहे 12:05 तो आपका कोण हो जाएगा 30h-11/2m, तो हो जाएगा 30×12-11/2×5, तो ये हो जाएगा 360। इसको अगर हल करिएगा तो यही चीज आएगा 27.5। अब इसको घटाइएगा तो आ जाएगा 5, 9 में से 7 गया 2, ये बच गया 5 में से 2 गया 3, 332.5 डिग्री। पुनः यह एंगल 180 से बड़ा आ गया, अतः हमें 360 में से घटाना होगा। तो 360-332.5, चलिए 5 आ गया, 9 में से 2 गया 7 और 5 में से 3 गया 2। क्लियर? 27.5 डिग्री। कोई दिक्कत समझने में? आ गई समझ में, हाँ या ना? चलो बढ़िया बात है, समझ में आ गया। तो इस पे हम एग्जाम में जो कुछ क्वेश्चन आता है उससे कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए ये आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखिए तो क्या है, कहता है कि 8:20 हुआ, 8:20 हुआ, तो घंटे मिनट के सुई के बीच का कोण क्या होगा? तो कोण बराबर बिल्कुल सिंपल 30h-11/2m, तो हो जाएगा 30×8-11/2×20, 240-110, घटा दीजिए 0, 3, 130 डिग्री आंसर, नहीं 130 डिग्री आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है। अगर ये क्वेश्चन नंबर 2 की बात किया जाए तो 2 में कहता है कि 11:20 हो रही है, कितना समय है 11:20, तो कितना समय, कितना डिग्री कोण बनाएगा घंटे और मिनट के सुई के बीच। तो सिंपल यहां पे कोण बराबर हो जाएगा, बार बार बोल रहे हैं फॉर्मूला आप लिखते जाइएगा पर क्वेश्चन में, है ना, उससे फॉर्मूला याद हो जाती है।
तो 30 गुना 11 माइनस 11 बटा 2 गुना 20 तो हो जाएगा 330 माइनस 110 मतलब 220 डिग्री। क्लियर? लेकिन 220 डिग्री कौन एंगल आया आप समझ सकते हैं, रिफ्लेक्स एंगल आ गया, हमें निकालना है छोटा वाला एंगल, अतः 360 में से 220 को घटा लेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा 140 डिग्री जो ऑप्शन बी में है, अतः बी मेरा सही उत्तर होगा। क्लियर? क्लियर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 12:40 हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 12:40 हो रही हो तो दोनों सुई के बीच कितना का कोण बनेगा। सिंपल उसी ढंग से 30h - 11/2m, यहां पे 12 मतलब 0 भी पढ़ सकते हैं लेकिन यहां देखो मिनट का सुई जो है ना ज्यादा है इसलिए हम 12 ही रहने देते हैं। 30 × 12 - 11/2 × 40 तो 360 माइनस कितना हो जाएगा 220 तो ये हो जाएगा 140 डिग्री जो ऑप्शन 140 डिग्री डी में है। क्या देखिएगा डी में है नहीं, अतः डी मेरा सही उत्तर हो जाएगा। आप चाहें तो 12 को 0 पढ़कर भी बना सकते हैं। क्लियर दोस्तों? ये तीसरा क्वेश्चन था। अब चौथा क्वेश्चन में देखते हैं, कुछ अलग क्वेश्चन है। आपके स्क्रीन पे भी चौथा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है लेकिन उसमें रिफ्लेक्स एंगल के बारे में बोला है। नहीं, क्या बोला है? रिफ्लेक्स एंगल कि 6:30 हो रही है, 6:30 हो रही है तो रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा, मतलब वो 180 से बड़ा वाला कोण पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, कोण बराबर हो जाएगा 30h - 11/2m मतलब 30 × 6 - 11/2 × 30 मतलब 180 माइनस ये 15 से कट जाएगा 165, इसको घटाइएगा तो 10 में से 5 गया 5 और ये बच गया 7 में से 6 गया 1 15 डिग्री। लेकिन 15 होगी नहीं क्योंकि ये तो 180 से छोटा वाला कोण हो गया, आंतरिक कोण हो गया, हमें बड़ा वाला कोण बनाना है, अतः 360 में से 15 को घटा लेंगे उत्तर आ जाएगा 345 डिग्री जो आपका ऑप्शन डी में है, अतः डी मेरा सही उत्तर होगा। क्लियर? नहीं समझ में आया? हमेशा रिफ्लेक्स एंगल पूछे तो 180 से बड़ा वाला को बताना है। क्लियर? तो दोस्तों हमने देखा इस पे सारे क्वेश्चन फॉर्मूला दे, फॉर्मूला से आपने बना लिया, नहीं ट्रिक से बना लिया, लेकिन अगर कंसेप्ट आपके पास ना हो तो फिर परेशानी में फंस सकते हैं क्योंकि एग्जामिनर अगर कहीं मेरे जैसा निकला तो आपको इतना सरल जीवन नहीं जीने देगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में जटिलता ला देगी, अतः कंसेप्ट आपको रखना ही होगा। और देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है, आपको कंसेप्ट की आवश्यकता पड़ने वाला है। क्या कह रहा है कि अगर सुबह आठ बजे एक घड़ी है, सही समय बता रहा है, सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक घंटे की सुई कितना डिग्री का कोण बनाएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल, 8 बजे सुबह से 2 बजे शाम तक की बात कर रहा है कि घंटे की सुई, सिर्फ घंटे की सुई कितना बड़ा कोण बनाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बताओ कि 8 बजे से 2 बजे शाम तक कितना घंटा हुआ, तो 8 बजे से 12 बजे जाओगे तो 4 घंटा हुआ, 12 बजे से फिर 2 बजे चलोगे तो 4 × 2 = 6 घंटा हुआ, तो 6 घंटे में घंटे वाली सुई द्वारा बना कोण की बात कर रहा है वो। आपको पता है कंसेप्ट मैंने शुरू में बताया है कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाता है। कहो कैसे? तो घंटे वाले सुई 1 घंटा में 1 पर जाएगा, मतलब 1 बड़ा खान तय करेगा। अरे भाई 1 बड़ा खान तय करेगा ये वाला, यहां से यहां आएगा 1 घंटा में तो कितना होता है 30 डिग्री, तो 1 घंटा में 30 डिग्री कोण बनाएगा तो 6 घंटा में कितना कोण बनाएगा, तो 6 × 30 मतलब 180 डिग्री का जो ऑप्शन डी में है, अतः डी मेरा सही उत्तर होगा। क्लियर दोस्तों? ये कंसेप्ट अगर आपके पास नहीं होता तो ये क्वेश्चन आपको परेशान कर देता। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है। चलिए अगर ये क्वेश्चन नंबर 6 की बात किया जाए
तो 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि एक घड़ी 4 बजे का समय दर्शा रही है, के बजे का 4 बजे का, घंटे की सुई में 90 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा। तो अगर 4 बजे का समय दर्शा रहा है, 90 डिग्री घूम रहा है, के डिग्री 90 डिग्री, तो 90 डिग्री घूमने में क्या समय होगा, यह हमारा क्वेश्चन है। तो एक बार बताओ, घंटे की सुई एक मिनट में आधा डिग्री घूमती है, मतलब आधा डिग्री का कोण बनाती है एक मिनट में, तो एक डिग्री का कोण बनाएगा दो मिनट में, बनाएगा या नहीं बनाएगा, क्लियर। तो खैर जो भी हो, आधा डिग्री का कोण बनाता है एक मिनट में, तो 90 डिग्री का कोण कितना मिनट बनाएगा, यहां से निकाल दो ना, 1/2 × 90 मतलब 180 मिनट में, 180 मिनट में, तो 90 डिग्री का कोण 180 मिनट में बनाएगा, इसका मतलब 180 मिनट का मतलब हो गया 3 घंटा में का मतलब हो गया 4 बजे से 3 घंटा बाद, मतलब 4 + 3 = 7 बजे, 7 बजे वह 90 डिग्री का कोण बना लेगा, क्लियर, जो ऑप्शन बी में है, अतः बी मेरा सही उत्तर हुआ। दोस्तों अगर ये सारी बात आपको समझ में आ गया हो, वीडियो बढ़िया लगा हो, तो अपने दोस्तों में समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल शेयर जरूर करिएगा और लाइक तो आप करते ही हैं, क्लियर। चलिए इससे आगे नहीं बोलेंगे, इससे आगे आप सारी बात जानते हैं, तो हम अगले क्लास में हाजिर होते हैं कलाओं का पाठ 4 लेकर, जिसमें हम बताएंगे कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन, है ना, समय की बात कि 2 और 3 बजे के बीच कब मिनट का सुई 30 डिग्री का कोण बनाएगा, कब 90 का कोण बनाएगा, कब एक दूसरा के विपरीत में होगा, कब संपाती होगा, कब 180 का कोण बनाएगा, ऐसा क्वेश्चन पर विचार करेंगे पार्ट 4 में, क्लॉक का पार्ट 4 में। जब तक के लिए मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट।